सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी की गली नंबर 2 की। यह तस्वीरें हैं देर रात करीब 2 बजे की। हालांकि इन तस्वीरों में साफ तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको बता दें कि घर के बाहर पार्किंग को लेकर यहां विवाद हुआ और दो परिवारों में यहां जमकर लात घूंसे चले। इस दौरान एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायल पवन ने बताया कि रोजाना की तरह वह अपनी स्कूटी वहां खड़ी कर रहा था, तभी उनके पड़ोसियों ने उन पर हमला कर दिया और जब उसके माता पिता उसे बचाने आए तो उनके साथ भी बेरहमी से पिटाई कर ये लोग वहां से फरार हो गए। पवन ने बताया कि वह लोग रोजाना शराब पीकर यहां हुड़दंगई करते हैं और अब वह मारपीट पर उतारू होने लगे हैं। हमारे साथ गली घर है, जहां पे वहां पे साथ में गली है, बंद गली है, उसमें हमारा घर है 2 साइड ओपन, तो हमारी बाइक खड़ी होती है, पीछे हमारी स्कूटी खड़ी होती है। ये कम से कम 15 से 20 लड़के आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ हल्ला मचाते हैं, दारू पीते हैं और मतलब कभी मतलब 12-1 बजे तक ये रोज़ हुड़दंग मचाते हैं जी। वहाँ पे कोई इनको कहने वाला नहीं है, कोई सुनना, जो जरा सा भी इनसे कुछ बोलता है ये उसी को ही मारते हैं। जैसे आज मेरे को मारा है इन्होंने बुरी तरह से, मेरी माता जी को मारा, मेरे पिताजी को भी इन्होंने मारा। ये बहुत मतलब गलत करते हैं, पर इनकी कोई भी इनकी अगर जरा सा इनसे कोई बोला कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो ये उसको मारते ही मारते हैं। इन्होंने पूरा आतंक मचा रखा है जी वहाँ पे हमारी गली में, और हम बहुत परेशान हैं इनसे, इन लोगों से बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक मामले में पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत आते ही मामले में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पड़ोसियों में स्कूटी करने का झगड़ा हुआ है, हमारी ईआरवी गाड़ी गई थी, अभी कोई कंप्लेंट नहीं है दोनों जी। कंप्लेंट आएगी जब कार्रवाई करेंगे। सर सीसीटीवी कैमरा सामने आ रहे हैं क्या? वो तो कंप्लेंट आएगी जब लेंगे, अभी दोनों पक्ष से कोई कंप्लेंट नहीं आई, दोनों पड़ोसी हैं। कंप्लेंट मिलेगी तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। घायलों के बयान लेने पुलिस अस्पताल पहुंची थी। फिलहाल देखना होगा सीसीटीवी में मारपीट करते दिखाई दे रहे इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होगा। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।